हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर, ये है थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो है इसमें हमने देखा था अलग अलग तरह के फाइबर्स के बारे में, है ना। नेचुरल फाइबर हमने देखा था, और कौन सा देखा था? सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। ओके, तो अब हम पहले प्लांट फाइबर के बारे में बात करते हैं कि प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए, फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स, जूट, है ना। ये जो फाइबर्स होते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो, ये रहे पिक्चर, आपको दिख रहे होंगे, है ना। फ्लैक्स, ये फ्लैक्स फाइबर है ना, ये जूट का फाइबर है, और ये कोकोनट फाइबर है ना। अब इनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, तो फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इन फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर्स। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं, बीच में कॉल आ गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे देखो बेटा। वी विल नाउ डिस्कस ऑल दीज प्लांट फाइबर्स इन अ लिटिल मोर डिटेल वन बाई वन। लेट्स स्टार्ट विथ कॉटन। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कॉटन से, एक एक करके जानेंगे इन प्लांट फाइबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। मतलब कॉटन जो है बेटा सबसे ज्यादा यूज आने वाला, सबसे ज्यादा काम में आने वाला प्लांट फाइबर होता है ना। जो आपके जो टी शर्ट है ना, जो इनर जो टी शर्ट होती है, शर्ट होती है, शर्ट नहीं सॉरी, वो बनियान जो होती है वो किसकी होती है? कपड़े की होती है, सॉफ्ट होता है ना उसका कपड़ा, है ना, होता है नहीं होता है, तो ये किसकी है? कॉटन की। ठीक है, और एग्जांपल्स होंगे इसमें, देखेंगे। तो कॉटन फाइबर इज आल्सो नोन एज कॉटन वूल, है ना, रुई जिसे हम कहते हैं। कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। कॉटन कहाँ से आते बेटा? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो जो कॉटन है वो आता है कॉटन प्लांट से। अब आपको कॉटन प्लांट आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फोटो दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखो, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, है ना। तो कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड्स बाय द फार्मर, है ना, खेती होती है ना। इसको वैसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं इसको, वन, जो किसान होते हैं, जो कपास कहते हैं ना हिंदी में, कपास की खेती करते हैं, है ना। तो कपास की जो खेती है उसको क्या कहते हैं? वन, वन बोला जाता है, वन। हाँ बोलो, है ना। देखो ये रहा, ये किसका है? कॉटन का प्लांट है, शायद आपने देखा हो या नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है। तो इस पर क्या होता है, प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जितनी आपकी हाइट होती है ना, जैसे आपकी हाइट है लगभग इतना बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, लट्टू सा होता है, जैसे फ्रूट होता है ना फ्रूट, तो ऐसा ही फ्रूट सा होता है, वो फट जाता है, फट करके उसमें से क्या निकलती है? कॉटन निकलती है ना। तो देखिए बेटा आगे, कॉटन क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। तो कॉटन की जो बेटा खेती होती है, जो कपास की जो खेती होती है, वो कैसी जगह पे होती है? जहाँ पे मिट्टी कैसी होती है? ब्लैक होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल होती है ना वहाँ पे। एंड वार्म क्लाइमेट, और वहाँ मौसम कैसा होता है, वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? वार्म रहती है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं रहती वहाँ, थोड़ा सा गर्म माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है, वार्म क्लाइमेट होती है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ क्लाइमेट कैसी रहती है? कोल्ड, है ना। तो कपास की खेती जब की जाती है तो उसके लिए ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए और थोड़ा मौसम गर्म होना चाहिए, है ना। इन इंडिया, इंडिया के बेटा कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें कि कॉटन उगाया जाता है? इन इंडिया कॉटन इज मेनली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उगाया जाता है, इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, अगर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरफ, यहाँ इस तरफ जाओगे तो आपकी मिट्टी जो है ना, जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। हाँ, येलो रंग की होती है, नहीं होती है ना, भूरे रंग की, ब्राउन कलर की होती है। लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। वहाँ
वहाँ ज्यादा उगाई जाती है। हाँ मैं गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ ऐसे लगते हैं जैसे राख बिछ रही हो खेतों में, मिट्टी काली है वहाँ की, ब्लैक सॉयल है। ठीक है, हमारे यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है ऐसी मिट्टी, वहाँ की मिट्टी ब्लैक है। सोचो ब्लैक खेत हो तो कैसे लगेंगे, ब्लैक ही ब्लैक है ना। उसे उगाया जाता है सर, हाँ सर हमारे गांव में भी होती है। हाँ वहाँ अधिक उत्पादन होता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, देखो द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर ऑफ द साइजेस ऑफ लेमन। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है जैसे नींबू होता है ना, नींबू लेमन होता है ना, नींबू कितना बड़ा होता है आपने देखा होगा है ना, तो इतना बड़ा इसका फ्रूट होता है। प्लांट कितना बड़ा होता है, जैसे आपकी जितनी हाइट है उतना बड़ा तो हाँ प्लांट होता है, वो होता है और उस पर जो फ्रूट आता है वो कितना बड़ा होता है, लेमन जैसे शेप का, लेमन जैसे आकार का। ठीक है, आफ्टर मेच्योरिंग, जब ये फल पक जाता है, मेच्योरिंग मतलब ठीक है, मेच्योर मतलब जब वो पक जाता है पूरी तरह से, द कॉटन बॉल्स बस्ट, बस्ट मतलब फट जाती है। ओके, बस्ट मतलब फटना। ठीक है, ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स कवरिंग विद वाइट, अंदर से क्या निकलते हैं, कॉटन के बीज निकलते हैं, और वो बीज पे क्या लगी रहती है, रुई लगी रहती है। ठीक है, बिनोरे, बिनोरे देखी, बिनोरे सुना है, बिनोरे होते हैं हाँ सर, जो गाय भैंस वगैरह को खिलाए जाते हैं है ना, हाँ वो ही बिनोरे होते हैं उनके। वही होते हैं, वो जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं ना, बीज जो होते हैं उसमें से, फ्रूट्स में से जो निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, कॉटन सीड्स। ठीक है, कवर्ड विद वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स, अ फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट विच इज रेडी फॉर पिकिंग कॉटन लुक्स लाइक अ फील्ड ऑफ कवरिंग विद स्नो। जैसे जब पूरी तरह कपास का जो पौधा जो है बड़ा हो जाता है, और उस पर जो फ्रूट जो है वो पक जाता है, उसमें से रुई बाहर आ जाती है, फिर क्या कहते हैं, उस रुई को, उस कॉटन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है खेत में से। तो खेत में से रुई कलेक्ट करने से पहले, कॉटन को कलेक्ट करने से पहले, अगर आप खेत को देखोगे ना उसको, तो कैसा लगेगा, वाइट जैसे जैसे क्या है, लाल वाइट लाल वाइट, हो हाँ जैसे बर्फ पड़ी हुई हो इसमें, ऐसा लगता है। अ फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट विच इज रेडी फॉर पिकिंग कॉटन लुक्स लाइक अ फील्ड कवरिंग विद स्नो बिकॉज ऑल द प्लांट्स हैव वाइट कॉटन फाइबर्स एट देयर टॉप। ओके, आगे देखो बेटा, कॉटन इज पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स इन द फील्ड यूजुअली बाई हैंड। अब बेटा खेत में से जब कॉटन को इकट्ठा किया जाता है, जनरली कैसे इकट्ठा किया जाता है, हाथों से इकट्ठा किया जाता है। द कॉटन फाइबर पिक्ड फ्रॉम फील्ड हैव कॉटन सीड्स इन देम। लेकिन जो खेतों में से जो उठाई जाती है ना, खेत में से जो कपास उठाई जाती है, ओके, तो उसमें क्या लगे रहते हैं, सीड्स लगे रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के सीड। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखते होंगे जो हमारे घरों में जो रुई काम आती है रजाई भरने के, या फिर है ना, तो उसमें तो कोई सीड नहीं होता है, से निकाला। नहीं होता ना, है ना, तो इसका मतलब ये है कि रुई में से सीड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसको करने के लिए देखो यहाँ पे एक लेडी है, दिखा रहा है पिक्चर में, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग, गिनिंग क्या है, रुई में से बीज को, सीड्स को अलग करने का जो काम होता है ना, इसको क्या कहते हैं, गिनिंग बोला जाता है। ठीक है, द कॉटन फाइबर्स पिक्ड फ्रॉम द फील्ड हैव अ कॉटन सीड्स इन देम, द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड। कॉटन फाइबर्स को यानी रुई को सेपरेट किया जाता है किससे, फ्रॉम दीज सीड्स, इन सीड्स से अलग किया जाता है, सीड्स को अलग किया जाता है और रुई को अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड, हाँ क्या कहलाता है प्रोसेस, क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं इस इसको तरीके, गिनिंग, गिनिंग, क्या कहते हैं इसको, इसको गिनिंग। इस कॉल्ड गिनिंग, गिनिंग बोलते हैं इसको, गिनिंग। तो गिनिंग क्या होती है, कॉटन फाइबर्स में से गिनिंग कॉटन बोलते हैं सीड्स को अलग नॉर्मली करना। गिनिंग। ठीक है, जो रुई होती है उसमें दोनों चीज़ें तो होती हैं, तो कॉटन सीड्स को अलग करने का जो काम होता है उसको कहते हैं गिनिंग। ये पीछे जब आप, ये हमारा ये चैप्टर हो जाएगा तो पीछे आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ गिनिंग, गिनिंग क्या होती है। ठीक है, तो उस टाइम इसका आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली,
देखो आगे, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय में, पहले, ठीक है। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड्स बाई यूजिंग अ कॉम्ब लाइक डिवाइस। एक कंघा जैसी डिवाइस होती है बेटा, जैसे कंघा होता है ना हम बाल काटते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके सिर में कुछ भी, अगर मान लो कुछ भी कोई गिर जाए, कोई गिर जाए मतलब जैसे कोई मच्छर फंस गया है या फिर कोई, ठीक है, जुए हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो कंघे से उनको जैसे इनको काटेंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। ऐसी कॉटन जो होता है, कॉटन फाइबर, उसमें सीड लगे रहते हैं, तो उनको कंघे जैसा एक बना हुआ होता है, ऐसा आप देख रहे हो ना पिक्चर में दे रखा है, ऐसी होती है। इससे अलग किया जाता है उनको, सीड्स को, सीड्स अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग हो जाती है, ठीक है। दीज डेज गिनिंग इज ऑल्सो डन बाई यूजिंग मशीन्स। लेकिन आजकल क्या है, जब आजकल मशीन के द्वारा ये काम किया जाता है, ठीक है भाई। कॉटन इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब कॉटन जो है बेटा, इससे क्या बनाए जाते हैं, हाँ, कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है। फिर इन कपड़ों को, इस फैब्रिक को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेकिंग क्लॉथ्स। यहाँ पे बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत बड़ी चीज़। एक होता है क्लॉथ, ठीक है, एक होता है क्लॉथ्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आया है। एक तो है क्लॉथ, ये है क्लॉथ्स। क्लॉथ का तो मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, क्लॉथ्स का होता है सिल, जैसे सिला हुआ कपड़ा। सिला हुआ मतलब जैसे टेलर, जैसे शर्ट बनवानी है आपको, है ना, आपको ड्रेस बनवानी है स्कूल की, ओके। तो बिना सिली हुई ड्रेस से पहले कपड़ा तो खरीदना पड़ेगा ना, है ना। जैसे ये शर्ट है, तो शर्ट को, शर्ट का पहले कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे क्लॉथ। लेकिन जब इसको दर्जी ने सिल दिया हो, सिलने के बाद क्या बोलेंगे इसको, अभी पहनने लायक कपड़ा हो गया, इसको पहना जा सकता है, अब इसको बोलेंगे क्लॉथ्स, ठीक है। हाँ, तो पहले कॉटन फाइबर से क्या बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, फिर उसको क्लॉथ या ड्रेसेस बनाई जाती हैं, एक्सेट्रा। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग पिलोज, है ना, तकिया वगैरह भरी जाती है ना उनमें, है ना। मैट्रेसेस जो गद्दे होते हैं ना, मैट्रेसेस किसको कहते हैं, जो गद्दे होते हैं ना उनको कहते हैं। क्विल्ट क्या होता है बताओ, क्विल्ट कैसे कहते हैं, क्विल्ट, क्विल्ट कहते हैं रजाई, रजाई। आगे देखो, ठीक है। द विक्स, विक्स मतलब क्या होती है, दिए की बाती होती है ना, बाती, रुई से बातियां बनाई जाती हैं, नहीं बनाई जाती हैं, है ना। विक्स ऑफ ऑयल लैम्प आर ऑल्सो मेड ऑफ कॉटन, है ना। लैंप देखी है हमने, नहीं देखी, ऑयल लैंप, मिट्टी के तेल के दीपक वगैरह होते हैं, है ना। या फिर जैसे दीपावली पे दीपक जलाए जाते हैं, या फिर घर में मंदिर में दीपक जलाया जाता है, तो उसकी जो बाती होती है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, विक कहते हैं, विक, WICK, विक। वो किसकी बनाई जाती है, कॉटन की बनाई जाती है, ठीक है। और क्विल्ट रजाइयों में क्या भरा रहता है, कॉटन भरा रहता है ना, कॉटन वही रुई, है ना, रजाई को क्विल्ट कहते हैं इनमें। तो आपको समझ में आया कि कॉटन जो है किस तरह से मिलता है और इसका यूज कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे हम फ्लैक्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।